हाँ जी, तो दीज आर दी परफेक्ट पैनकेक्स मेड बाय मी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो घर से दूर रहते हुए बंदा कुछ बने ना बने, लेकिन मास्टर शेफ तो ज़रूर बन जाता है। तो पैनकेक्स के लिए सबसे पहले एक एग लीजिए, उसके बाद उसमें एक कप शुगर ऐड करना है, फिर सेम कप में मिल्क लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लाइक बहुत थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, लाइक जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। उसके बाद आपने 1.5 टेबलस्पून ऑयल लेना है। आप बटर मेल्ट करके भी डाल सकते हो, लाइक 1.5 टेबलस्पून, या फिर आप सनफ्लावर ऑयल ले लो। मैंने तो सनफ्लावर ऑयल लिया था, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू गाइस, ओके। एंड देन हमने 1 पैकेट वेनिला एसेंस ऐड करना है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है वेनिला एसेंस, तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो। मेरे पास तो ये पाउडर फॉर्म में था, मैंने पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया। उसके बाद पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। यू गाइस कैन डू इट विद अ विस्कर ऑल्सो, वरना ये फोक से भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 कप मैदा ऐड करनी है, सेम वही कप यूज़ करना है जो शुगर और मिल्क के लिए किया था। और थोड़ी सी मैंने मैदा ज़्यादा ले ली थी, लाइक 2-3 स्पून बस, 2 कप के अलावा। इसको मिक्स कीजिए। और मैं बेकिंग सोडा तो ऐड करना भूल ही गई थी, ऑफकोर्स वी हैव टू ऐड दैट 1 टेबल स्पून। और फिर बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मेरी फ्लैटमेट आ गई थी, मैंने बोला आ जाए वीडियो में, बट थोड़ा सा कप करके चली गई। इसके बाद हमने बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। इसकी कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा डेंस ना ही ज़्यादा लिक्विड, आप देख सकते हो। फिर हमने पैन को वॉश कर लेना है ठीक से, और मैंने इस छोटे से कप में भर के बैटर डालना है पैन पे। और पैन जब गर्म हो जाए ना, तो उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेना है। इससे क्या होता है ना कि पैन थोड़ा और नॉन स्टिकी हो जाता है, लाइक हमारा पैन थोड़ा ख़राब हो गया है तो वो उस पर कभी कभार चिपक जाती होती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा और नॉन स्टिकी बनाने के लिए उस पर पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ। फॉर श्योर आपका पैनकेक नहीं चिपकेगा पैन पे, दैट्स फॉर श्योर इफ़ यू विल डू दिस। उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है, एकदम थोड़ा सा, और इसको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से पूरे पैन पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। लाइक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हमने यूज़ किया है ऑयल, हमने यूज़ करना नहीं था, ओके। और उसके बाद हमने क्या करना है, एकदम लो फ्लेम पे, एकदम धीमे फ्लेम पे हमने उसको रखना है। फिर हम बैटर डाल देंगे एंड वी हैव टू वेट टिल द बबल्स फॉर्मेशन। उस पर ना कुछ इस तरीके के बबल्स आ जाएंगे, उसके बाद आप समझ जाओ कि आपने उसको फ्लिप करना है। और ये एक बहुत टिपिकल टास्क है, बट आई होप आई विल डू दिस। और इसको फ्लिप करके बस 2 मिनट रखना है पैन पे, एंड देन इट्स रेडी। सो या गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस दैट्स इट फॉर द डे। आई विल सी यू गाइस टुमारो, एंड प्रज्ञा इट्स रेडी, ओके बाय।